निफ्टी पे प्रीवियस हाई आई मीन बीस दो सौ बाईस को सेप्टेम सेप्टेम्बर वाले को फिर मैच कर लिया हमने दो दिसंबर दो हज़ार बाईस को एक और स्विंग हाई लगाया था करीब करीब वो था उन्नीस नौ सौ कुछ का या उन्नीस आठ सौ कुछ का बट निफ्टी आईटी का उसी दौरान का हाई जो था वो था करीब करीब उनतालीस तीन सौ छियासी बत्तीस पाँच सौ सोलह पे खड़ा है इस डिफरेंशियल को लगभग लगभग आठ हज़ार पॉइंट के साढ़े सात हज़ार पॉइंट के इसको कैसे चेज करना चाहिए बीरू मेरे ख्याल से कल ओवरनाइट नाइट अगर आप देखेंगे तो डाओजोन्स काफ़ी चला नेश इनफैक्ट गिरा था कल आ, ये जो तो जी के नंबर्स आए हैं ना इसमें एक क्लियर कट एक डिफरेंशियल है कि डोमेस्टिक इकॉनमी बहुत शानदार है, है और सर्विसेज उतनी ग्रो नहीं कर रही मेरे ख्याल से अभी एक हफ्ता दस दिन के लिए थोड़ा फोकस आपका ना डोमेस्टिक ही होना चाहिए प्योर डोमेस्टिक होना चाहिए आपका फोकस दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं एक तो डोमेस्टिक ऑटो सीमेंट कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट ये है जिसमें आप गलत नहीं जा सकते इसमें आपका पैसा बनेगा और इसमें अगर आप गलती कर भी देंगे तो भी मार्केट आपको पनिश नहीं करेगा मैक्सिमम क्या होगा अगर आपने पीक पे भी ले लिया एक दो महीने की करेक्शन आएगी उसके बाद ये स्टॉक आपका प्राइस वापस दिखा देंगे उसके बाद आप चेज़ करेंगे अगर तो जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं अगले महीने मेरे ख्याल से या इस महीने अगर वो एफआई का पैसा आना शुरू हुआ फिर से जिसके कि कुछ साइंस देखे हैं कल का डेटा हम इसलिए ले रहे हैं कल तो एम एस का फैक्टर आ गया था इसके लिए तो वो एक स्पेस है जिसमें आप चेज़ करेंगे लेकिन अब मुझे लग रहा है अगले अगले कुछ दिनों के लिए ना आपका फोकस थोड़ा डोमेस्टिक होना चाहिए आई में क्या है आई टी बायोन डिप्स है अब लोअर लेवल मिले जैसे अब ट्वेंटी डीमा पे आ जाए अगर मान लो तो एक बार आई इंडेक्स में वापस व्यू ले लेंगे लेकिन अदरवाइज अभी का फोकस जो है ना मेरा अगले तीन चार दिन का फोकस मेरा प्योर डोमेस्टिक रहने वाला है क्योंकि यहीं से रैली आपको मिलने वाली है सबसे ज़्यादा अच्छा रोज आपने एक चीज देखी अभी जो कुछ